दोस्तों जैसलमेर, जैसलमेर की संस्कृति, यहाँ का साहित्य, यहाँ की कला और यहाँ का सौंदर्य। मैं जो ये पत्थर लेके बैठा हूँ, यह पत्थर अपने आप में एक कहानी कह रहा है। इस पत्थर को हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं गेरू। वैसे गेरुआ रंग है इसका। इस पत्थर का कोई नाम नहीं है, इसका बस एक ही नाम है, इसको बोलते हैं गेरू। यह हमारे जैसलमेर के, पहले तो यह शहर में लिया जाता था, लेकिन अब शहर जो है वह आधुनिक शैली का विस्तार हो गया है। मेरे शहर से इस पत्थर को पहचान कम हो गई है, तो मैं आज इस पत्थर की पहचान इसलिए करा रहा हूँ। अमूमन हमारे घरों के आगे जो दीवार थी उसके ऊपर एक पट्टी हुआ करती थी। हमारे यहाँ की भाषा में उसको कहते हैं सबाटी। एक सबाटी अंदर होती थी, पत्थर की किनार होती है जो पत्थरों की जो चिनाई होती है उस लहर को बंद करती है, उसके बाद फिर पुनः चालू होती, तो उसको यह इस लाल रंग से रंगा जाता था। सभी घरों में उसके ऊपर वह पट्टी सभी के साथ चलती थी, उसको इस रंग से लाल किया जाता था, तो इसको गेरू बोलते हैं। यह गेरू उस लाल करने से एक जो दीपावली का जो पर्व होता था, उस दीपावली के पर्व में घर की शोभा जो है बहुत बढ़ जाती थी। और अमूमन बाहर का जो दीवार होती थी उसमें या तो पीले रंग की पुताई की जाती थी या सफ़ेद की, और उसके साथ ही हमारे यहाँ कहते हैं बोडल, जिसका विज्ञान नाम है, साइंस का नाम है ब्रट माइका, उसको भी उसमें शामिल किया जाता था। दोस्तों मेरे शहर से विलुप्त हो रहे हैं कुछ ऐसे खनिज संपदा के चीज़ें जो हमें नाम तो नहीं बताती है लेकिन उसका काम बताती है। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया इसका रंग, उसको धोने के बाद एक बड़े बर्तन में इसको इकट्ठा किया जाता है। पूर्व में एक ऐसी व्यवस्था थी, एक घर से दूसरे घर के अंदर जाने के लिए छोटी छोटी एक दरवाजे रखे होते थे, उसको हम बोलते थे खिड़कियाँ। यानी कि इस घर से उस घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बाहर आने की जरूरत नहीं, अंदर से अंदर चले जाओ। तो यह गेरू भी उसी का हिस्सा है। यानी कि जब एक औरत यह गेरू बनाती थी तो वह एक बड़े बर्तन बना लेती, उसको बाहर घिस के और एक बड़े बर्तन में कर लेती, उसके साथ वह फिर अपने घर का जब वो कार्य निपट जाता पूर्ण हो जाता था, उसके बाद फिर आगे वाला जो होता था परिवार उसको यह गेरू का कटोरा दिया जाता था, फिर उससे आगे वाला, इस प्रकार जो भी 15-20 घरों की एक लाइन होती थी वह एक औरत ही इस गेरू के उपयोग से पूरे घरों को सजा देती थी। तो दोस्तों यह आज जो मेरे नई पीढ़ी के लोग हैं, मेरे युवा साथी, शायद कईयों को पता होगा कईयों को पता नहीं है, मैंने कुछ इकट्ठे करके रखे हैं। और यह कहाँ से आते हैं वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलिए, यह बरसात के अंदर जो नदी का पानी आता है ठीक उसके बीच में जाते हैं। आइए मैं आपको दिखा दूँ, यह मैंने काफ़ी इकट्ठे करके रखे हैं, यह सब गेरू हैं। तो देखो दोस्तों, ये देखो, यह गेरू है। यह घर के आगे जो हमारे यहाँ जो चमक लाते थे, यानी कि लाल रंग, यह लाल रंग का उपयोग किया जाता है। यह कहाँ से आता है तो ठीक आप यहाँ देख सकते हो, यह इसके बीच में ऐसे निकल रहा है। ये देखिए, यह चीज़ है, यह देखिए, इस तरह से जो बरसात के अंदर जो हमारे खनिज आते हैं, यानी विशेषकर बजरी जो होती है सीमेंट के साथ, जो आज के आधुनिक युग में मकान बनाते हैं उस तरह से बहुत मात्रा में, यह देखिए इसका बहुत बड़ा हिस्सा, यह बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें वैसे छोटा किया जाता है, छोटे रूप में रंग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, यह इसको
पहले पानी में भिगो दिया जाता है और जैसा मैंने पूर्व बताया है उसके बाद इसमें लाल रंग निकलता है। और घर के आगे जो छतें भी एक साइज में एक पत्थर की सवाटी होती है उसको लाल करते हैं। दोस्तों मैं प्रयास करूँगा शहर के अंदर अगर होंगे, वैसे आजकल उमूमन इसमें हम वार्निश करते हैं, इन्हें रंग पेंट इसको छोड़ दिया है। तो दोस्तों यह था गेरू, गेरू की जगह रंग ले लिया है अभी वार्निश ने, यानी कि हमारे की आधुनिक रंग ने, वह भी दिखाऊंगा। लेकिन मेरा यह दिखाने का उचित यही था कि यह खनिज हमारे जैसलमेर की संस्कृति से लुप्त हो रहा है। यह था गेरू और आगे की कड़ी में सुरेश कुमार जैसलमेर से। तब तक के लिए जय हिंद।